कथा है वो बादशाह अकबर के भी 40 अनमोल रतन थे, तो ये 40 अनमोल रतन को उतारे हैं और कुछ होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। यहाँ पर तेलंगाना में मंजलिस के जो 9 कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह अवाम के दुआ से, वोट से कामयाब होंगे, एमएलए बनेंगे और मुझे यकीन है कि तीसरी मरतबा दोबारा तेलंगाना की अवाम केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके तो क्या रखेंगे? नहीं आ रहे हैं वो आए तो एक ही बात बोलेंगे, स्टेयरिंग वो इसी के हाथ में है, तो राहुल आकर बोलते हैं कि मैं बी टीम हूँ, ये दो पेटेंट डायलॉग्स हैं और 28 नवंबर तक सिर्फ यही बोलते रहेंगे। दिखाने के लिए दोनों पार्टीज के पास कुछ नहीं है क्योंकि 9 साल के 9.5 साल के अरसे में तेलंगाना में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, कम्युनल पीस मेंटेन हुआ है, किसानों को फ़ायदा हुआ है, तो मुझे यकीन है कि यही चीज़ें हैं जो फ़ायदा पहुंचाएगी केसीआर को और उनको आगे तीसरी मरतबा मौका मिलेगा।